गाइज वेलकम बैक टू मई यूट्यूब चैनल। तो जो क्रिकेट प्रेमी जो रहे होंगे, हम भी उसमें से एक थे, जो 19 नवंबर 2023 में क्रिकेट से अलविदा नहीं देखेंगे बोल चुके थे। बट अभी अभी आईसीसी ने एक टीज़र रिलीज़ किया है, जो आईसीसी 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप के लिए एक टीज़र छोटा सा क्लिप है 1.25 सेकंड्स का उन्होंने रिलीज़ किया है। वो देख करके मेरे को तो मन कर दिया कि अब T20 वर्ल्ड कप भी देखना ही पड़ता है। जो ICC पहले रिलीज करता था मौका मौका का, जो पहले हम लोग कितना देखे हम लोग अपने टाइम पे, मतलब उस टाइम में क्या था, वो क्रेज़ था उस टाइम में। और पाकिस्तान का पटाखा फोड़ने का कभी मौका नहीं मिल पाया, हमेशा TV फोड़े हैं। तो उसी तरह एक अभी टीज़र रिलीज हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो पूरा मार्केट में आग लगा दी। इतना ज़्यादा अच्छा टीज़र है वो, मतलब वो टीज़र मैंने देखा है जब स्टार्ट जिस दिन रिलीज़ हुआ, तो उस दिन फर्स्ट दिन देखे थे टीज़र। वो स्टार्टिंग में अभी पूरा अभी वीडियो देखेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें स्टार्ट में क्या होता है कि सीन होता है कि ऊपर में दिखता है सबको एकदम कुछ रॉकेट टाइप का पार होते हुए, तो सारे जो वहाँ पे ऑडियंस रहते हैं सब ऊपर देखने लगते हैं। मतलब टीज़र इतना सस्पेंस हॉलीवुड मूवी टाइप का बना दिया, मस्त मज़ा आ गया, ज़रूर देखिएगा। तो ऊपर आप देखिएगा कि सब कोई ऊपर देख रहा है कि रॉकेट टाइप का कुछ कुछ पार हो रहा है एकदम अचानक से, सब कोई शॉक हो जाते हैं, अचानक से ट्रैफिक जाम लग जाता है वहाँ पे, वो लोग देख रहे हैं कि अचानक से क्या हो रहा है क्या हो रहा है ऐसा। तब तक पता चलता है कि ग्राउंड से किसी ने हिट किया है बॉल, और वो एकदम एकदम वहाँ ऊपर जहाँ सैटेलाइट होता है वहाँ तक का चला जा रहा है, वो ऐसा कैप्चर करके वीडियो में बना है। बहुत सही, बहुत सही, ये वाला जो एड था टीजर वाला, ये बहुत सही, ICC ने बहुत अच्छा इस बार बनाया है। ज़रूर जाके देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ लिंक को, उसको ज़रूर देखिए। और प्लीज़ आप भी, मैं और आप दोनों एक हो जाते हैं इस बार, फिर से वापस से हम लोग रीस्टार्ट करते हैं और इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में जितवाते हैं। 1 जून से शुरू होने वाला है और आई गेस 29 जून तक चलेगा, उस बीच में शायद हमारा इंडिया और पाकिस्तान का शायद 9 जून को हमारा आमना सामना होगा। तो फिर पाकिस्तान के लिए उम्मीद कीजिए कि पटाखा वो तो नहीं फोड़ पाएंगे, TV ज़रूर फोड़ लेंगे, जो क्रिकेट से संन्यास ले लिया था वापस से देखूंगा। आई होप आप भी देखिए और इंडिया को सपोर्ट करेंगे, कब तक, जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, उसके बाद तो फिर परमानेंट वाला संन्यास मेरे साइड से। तब तक के लिए आपको मैं अपडेट देते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।